हेलो दोस्तों, आज ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा जिसमें कि मैंने इसका डिज़ाइन का कटिंग करके दिखाया है, तो पहले जाकर आप उसे देख लें। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम आज इसका बैक साइड तैयार करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम दो नेट ले लेंगे, इसे हम नेट कहते हैं, ठीक है। इसका साइज है 19.5 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा, ठीक है। ऐसा हम दो पीस ले लेंगे। ये हमारा हल्का सा राउंड है यहाँ से, ठीक है। तो उसी तरह से हम भी इसको हल्का सा राउंड रखेंगे, और उसके बाद हम ये हमारा नीचे कपड़ा लगा हुआ है टुकड़ा, इसके लिए हम लेंगे एक 5 इंच बाई 4 इंच का एक टुकड़ा जो हमारा नीचे लगेगा। ऊपर नीचे देखकर हम सिलाई करेंगे, जो नीचे होगा उधर ही सिलाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सिलाई कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से सिलाई करेंगे, नेट को हम नीचे रख लेंगे और कपड़ा को हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, और दूसरा भी हम इसी तरह से कर लेंगे। ये हमारा सिलाई हो चुका है, इसको हम इस तरह से सिलाई करेंगे। उसके बाद हम टेप ले लेंगे, बेल्ट 1 इंची चौड़ा वाला, पतला वाला, चाइना मग जिसको बोलते हैं, इसको हम किनारे किनारे लगाएंगे साइड साइड में इस तरह से मोड़ कर इसको हम इस तरह से लगाएंगे। तरह से हम पूरा लगाएंगे दोनों साइड। इसी तरह से हम इस साइड भी लगा लेंगे और दूसरा वाला में भी लगा लेंगे इस साइड। ये हमारा दोनों साइड दोनों पीस में कवर हो चुका है। अब हम बैक वाला पल्ला लेंगे और इसमें इस तरह से रखकर ऊपर से करीब 2.5 इंच नीचे हम इसको रखेंगे, और फिर इस साइड से भी करीब 1.5 इंच छोड़ देंगे, ठीक है, इस साइड से 1.5 इंच। और उसके अलावा हम इसको भी रखकर देख लेंगे कि बीच हमारा दोनों हमारा बीच लग रहा है या नहीं। इसको रख लेने के बाद एक जगह हम एक ऊपर में निशान लगा लेंगे, एक बीच में लगा लेंगे और एक सबसे नीचे लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा सिलाई करते वक्त ज़्यादा इधर उधर भागेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद हम इसको इस सिलाई करेंगे, कोर पे सिलाई करेंगे। ये हमारा सिलाई हो गया, ठीक है, इस तरह से सिलाई करेंगे हम। और उसके बाद हम एक स्पॉन्ज लेंगे, ठीक है, इससे थोड़ा सा छोटा, ताकि इसके अंदर ये चला जाए। उसके बाद इसको हम इस तरह से अंदर कर लेंगे। इस तरह से अंदर करने के बाद हम फिर इस साइड में भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा लग चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला को भी लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारा दोनों लग चुका है। इसके बाद अब हम एक 1.25 इंच का टेप लेंगे, बेल्ट, ठीक है, 1.25 इंच चौड़ा, इसको हम यहाँ ऊपर लगाएंगे इस तरह से, ठीक है।
ये हमारा लग चुका है, ठीक है। इसको ऊपर का सिलाई अभी हम नहीं करेंगे, अब हम पट्टा तैयार करेंगे, ये वाला। ये हमारा पट्टा है पीछे टांगने वाला, इसको मैं पहले ही सिलाई कर चुका हूँ। इसमें नीचे हम वही नेट देंगे, आप कोई नॉर्मल अस्तर भी दे सकते हैं लेकिन मजबूत होना चाहिए। और हम इसमें स्पंज ले लेंगे, इससे थोड़ा सा छोटा, ताकि इसमें आसानी से अंदर चला जाए। और उसके बाद हम इसको अंदर डालेंगे। इसके लिए हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसको अंदर करेंगे, करीब 3-4 इंच अंदर कर लेंगे इस तरह से। और फिर हम स्पंज को लेंगे और इस तरह से इसको इसमें डालेंगे और नीचे से दबाते हुए अंदर खेलते जाएंगे। ये हमारा अंदर भी चला जाएगा और सीधा भी हो जाएगा। ये हो गया हमारा, उसी तरह से हम इसको भी सीधा कर लेंगे। ये दोनों सीधा हो चुका है। और हाँ, इसका साइज होगा हमारा 22 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा होगा, ठीक है। और फिर हम 2 पीस टेप ले लेंगे निवार, इससे करीब 6-7 इंच ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कितना बड़ा होना चाहिए। और 2 पीस बक्कल ले लेंगे, जो बक्कल। उसके बाद फिर हम 2 बेल्ट लेंगे निवार, एक होगा हमारा 6 इंच का और एक 11 इंच का, और एक इंच का पुश लॉक लेंगे। और फिर जो हमारा ये वाला है, इसमें हम इस तरफ से पहले डालेंगे और फिर इधर से डालेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से कर लेंगे और फिर इधर हम इस तरह से एक बार मोड़ेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार ऑफ फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ हम एक सिलाई कर लेंगे ताकि ये निकले ना, बाहर ना निकले। ये हो गया। और इसमें हम इसको बस इस तरह से डालकर बराबर करके छोड़ देंगे। और फिर जो हमारा ये बड़ा वाला टेप है निवार, इसको हम और एक हम बक्कल लेंगे, इसको हम इस तरह से एक बार डालेंगे एक तरफ से और फिर ये दूसरा तरफ से। ये हो गया हमारा, दूसरा वाला को भी उसी तरह से लगा लेंगे। और फिर जो हमारा पट्टा है इसको लेंगे, और जो ये हमारा बक्कल लगाया है इसको लेंगे और फिर हम इसको इस तरह से रखेंगे इस तरह से। और ये वाला जो है इसको हम इसके नीचे इस तरह से डाल लेंगे और फिर इस तरह से करके हम सिलाई करेंगे। ये हमारा सिलाई हो गया। अब हम करीब 4 इंच छोड़कर फिर हम एक यहाँ सिलाई करेंगे। और फिर हम 4 इंच छोड़कर फिर एक और यहाँ सिलाई करेंगे, 4-5 इंच। और इसी तरह से एक और सिलाई कर लेंगे लास्ट। ये हो गया। अब हम दूसरा वाला में भी इसी तरह से कर लेंगे। इसमें हम पुश लॉक को डबल मिलाकर अंदर सिलाई कर रख के सिलाई करेंगे। अब ये हमारा दोनों बन चुका है। और इसमें मुझसे एक गलती हुई थी कि मैं इसको इस साइड ना लगाकर इस साइड लगा दिया था, इसको मैं फिर खोल के फिर से इस साइड किया हूँ। तो आप लोग ध्यान दें इसको किस साइड लगाना है, ध्यान देकर लगाएं ताकि दोनों इसमें आकर फंसे। उसके बाद हम बैक पल्ला ले लेंगे और एक 8 इंच का टेप ले लेंगे। और फिर जो हमारा ये पट्टा है इसको हम इसमें इस तरह से इसके अंदर रखकर इसके बराबर से थोड़ा इसके थोड़ा सा अंदर 1/2 इंच ये जो है इसको रखकर इसके नीचे हम ये 8 इंच का जो हमारा टेप है इसको हम इसके नीचे इसको भी रख देंगे। और फिर हम इसको सिलाई कर लेंगे।
दूसरा वाला भी उसी तरह से कर लेंगे। आठ इंच वाला टेप जो है उसको भी इधर फंसा लेंगे। एक सिलाई और कर लेंगे मजबूती के लिए। अब ये हमारा लग चुका है, ये लॉक हमारा इसमें लगेगा इस तरह से। अब हम लैपटॉप रखने वाला बनाएंगे। इसके लिए हम एक अस्तर लेंगे जिसका साइज होगा 17 इंच लंबा और 18 इंच चौड़ा, और एक स्पंज लेंगे जिसका साइज होगा 14x14, और फिर इसको बीच में रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। और एक सिलाई यहाँ से करेंगे और एक सिलाई यहाँ से। और एक सिलाई नीचे देंगे। यह हो गया हमारा। अब हम वेलक्रो लेंगे, ये वाला एक हम इसमें लगा लेंगे इस तरह से। यह हमारा वेलक्रो लग चुका है। इसको कर लेने के बाद हमारा जो बैक पल्ला है हम उसे लेंगे, और एक हम अस्तर लेंगे जो हमारा बैक पल्ला से थोड़ा सा बड़ा होगा, और फिर जो हमारा ये है इसको हम नीचे से एक तरफ से बराबर करके रख लेंगे, और इस साइड से भी, इस दोनों साइड से भी हम बराबर इसको करके रख लेंगे। और फिर ये जो हमारा वेलक्रो लगा हुआ है इसके नीचे हम एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम एक निवार लेंगे 8 इंच लंबा 1/4 इंच चौड़ा, और ये जो हमारा वेलक्रो है इसको हम लेंगे, इसको इसमें इस तरह से रखकर हम पहले सिलाई कर लेंगे। ये हमारा सिलाई हो गया। इसको सिलाई कर लेने के बाद ये जो हमने दाग लगाया है इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से जिधर हमारा वेलक्रो है उधर ही हम फोल्ड कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर रख के, दाग के ऊपर रख कर हम इसको इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये हम इस तरह से करेंगे। इसको लगा लेने के बाद फिर हम ये वाला लेंगे और इसको इस एक तरफ से बराबर मिलाएंगे, और नीचे से भी बराबर करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ रख के करीब यहाँ से 1 इंच अंदर रखकर हम सीधा सिलाई करेंगे। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मोड़ लेंगे। उसके बाद इस साइड भी उसी तरह से थोड़ा सा मोड़ लेंगे। उसके बाद इधर भी हम बराबर कर लेंगे, और 1 इंच छोड़कर इधर से सीधा सिलाई कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा लैपटॉप रखने वाला रेडी है। उसके बाद हम निवार लेंगे 22 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा 2 पीस, ठीक है। और एक टुकड़ा लेंगे 5x5 का, उसको हम इस तरह से बराबर करके इस तरह से हम 20 से काट लेंगे।
और फिर हम इसे थोड़ा सा इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। यह हो गया, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। और फिर जो हमारा निवार है इसको हम लेंगे और इसको इस तरह से करके इस तरह से और यहाँ पे निवार लगाएंगे और फिर इसको यहाँ हम सिलाई कर लेंगे। इसको हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे और निवार को हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम ये वाला तैयार करेंगे, ये वाला। उसके बाद हम ये वाला ले लेंगे जो हमने पिछले वीडियो में कटिंग किया था और चैन ले लेंगे 8 नंबर। इसको हम इसमें चैन लगा लेंगे थोड़ा सा फोल्ड करके। और फिर इससे हम इसको डबल कर देंगे। ये हमारा लग गया। अब हम इसमें एक रनर लगा लेंगे। इसको लगा लेने के बाद हम ये इसमें किनारे किनारे ऑयल लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर उल्टा और ये वाला सीधा इसके ऊपर रखकर हम इस तरह से सिलाई करेंगे। जब हम इसे सिलाई करेंगे तो इसको इतना हम बाहर निकाल के रखेंगे ताकि ये दोनों साइड में बराबर निकलेगा, ये सही होगा। उसके बाद हमने मार लेंगे पतला वाला कवर करने वाला, उसको इस तरह से रखकर हम इसके इस साइड में ये जो बड़ा हुआ है इसको छाट लेंगे। उसके बाद इस साइड में हम को पूरा कवर कर लेंगे। ये हो गया हमारा, इस साइड में इसे इस तरह से लगा लेंगे। दोनों को इसी तरह से कर लेंगे। उसके बाद हम 4 पीस अस्तर लेंगे, एक पीस में 2 पीस लगेगा, ओके, एक पीस में 2 पीस। इसको इस तरह से बराबर रखकर और फिर इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। इसको रख लेने के बाद हम किनारे किनारे पूरा सिलाई कर लेंगे। ये हो गया, अब दूसरा वाला को भी इसी तरह से करेंगे। ये हमारा दोनों हो गया। अब हम इसको बड़ा हुआ छाट लेंगे। अब हम निवार ले लेंगे 17 इंच लंबा, 1 इंच चौड़ा। अगर हम यहाँ 1.25 इंच चौड़ा निवार देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरे पास में अभी 1.25 इंच अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 1 इंच ही लगा रहा हूँ। इसको लेने के बाद हम इसको इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और एक सिलाई यहाँ हम करेंगे। तरह से सिलाई कर लेंगे दोनों पीस में। इसको कर लेने के बाद अब हम पतला वाला निवार लेंगे, इससे हम इसको कवर कर लेंगे इस तरह से। इसको लगा लेने के बाद अब हम ये वाला जो है इसको इस तरह से मोड़कर एक सिलाई यहाँ कर लेंगे।
इस तरह से, दूसरा वाला को भी इसी तरह से कर लेंगे। इसको कर लेने के बाद अब हम इससे थोड़ा छोटा एक स्पंज लेंगे इस तरह का, और ये जो हमने दो अस्तर यहाँ दिए थे इसके बीच में हम इसको डाल देंगे इस तरह से, इसमें भी उसी तरह डाल लेंगे। और फिर जो हमारा बैक वाला अस्तर है उसको हम ले लेंगे, उसको इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद हम स्पंज ले लेंगे, स्पंज इसके ऊपर रख लेंगे। उसके बाद जो हमारा फाइबर है उसे ले लेंगे, इसको भी इसके ऊपर रख लेंगे। उसके बाद जो हमारा बैक पल्ला है उसको इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से, और सबको बराबर मिलाकर इस तरह से, इसको इस तरह से बराबर कर लेने के बाद हम इसको लेंगे ये वाला, और इसे हम नीचे से 1.5 इंच ऊपर रखकर इसको हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद फिर हम ये वाला लेंगे, इसको भी हम इस तरह से रखकर 1.5 इंच ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। यह हो गया पूरा सिलाई। अब हम इसको लेंगे और इसके ऊपर रखकर हम इसको भी सिलाई कर लेंगे। इसको हम नीचे से 1 इंच ऊपर रखेंगे। दूसरा तरफ भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये हमारा दोनों लग चुका है। अब हम एक पीस लॉक ले लेंगे और ये वाला जो है इस साइड में हम इसको लगा लेंगे। तरह से, और इसको इधर हम दो बार फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे ताकि वो निकले ना। और फिर इस तरफ वाला में हम ये वाला इस तरह से डाल लेंगे और एक सिलाई कर देंगे यहाँ। ये हो गया हमारा। और फिर हम दो पीस निवार लेंगे 10 इंच लंबा और दो पीस 4 इंच लंबा और दो पीस बक्कल ले लेंगे। 4 इंच वाला हम इसमें इस तरह से डाल लेंगे। इस तरह से अब जो हमारा बैक पल्ला है हम उसे ले लेंगे, और ये हमारा जो निवार है, ये जो हमारा निवार लगा हुआ है इसके बराबर में हम ये वाला इस तरह से यहाँ पर रखकर सिलाई कर लेंगे दोनों को। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और साथ ही साथ मुझे आगे वीडियो बनाने का भी हौसला मिलता है, तो इसीलिए लाइक कर दीजिएगा लाइक। अब हम इसको यहाँ सिलाई कर लेंगे। ये हमारा दोनों लग गया। ये जो निवार है ये इसमें आकर फंसेगा। इसका क्या काम है कि जब अगर मान लीजिए ज़्यादा अगर ये बड़ा हो रहा है तो हम इसको यहाँ से लगाकर इसको छोटा कर लेंगे टांगने के वक्त इस तरह से। तो ये इसी के लिए है ये वाला। अब जो ये हमारा 10 इंच वाला निवार है इसको हम ऊपर से 9 इंच पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से रखकर। दोनों तरफ इस साइड भी कर लेंगे। ये हो चुका हमारा बैक साइड कंप्लीट। अब हम बोतल रखने वाला तैयार करेंगे। तो बोतल रखने वाला हम किस तरह का बनाएंगे देखिए।
एक हम टुकड़ा लेंगे 11 इंच, इस साइड से 11 इंच, और एक साइड और से 9 इंच, 11 बाई 9 इंच, और ये यहाँ होगा हमारा 2.25 इंच, इधर भी 2.25 इंच का हम इस तरह से निशान लगाकर हम इसको स्क्वायर काट लेंगे पहले, उसके बाद में हम इधर राउंड कर लेंगे, इधर भी राउंड कर लेंगे, और एक नेट लेंगे, नेट होगा हमारा 9 इंच बाई 8 इंच का, ठीक है। इसे सिलाई करने से पहले हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको नीचे वाला जो हमारा नेट है इसको हम सीधा रखेंगे और ये वाला उल्टा, इस तरह से दोनों को बराबर रखकर हम आहिस्ता आहिस्ता सिलाएंगे। ये हमारा हो गया, ये हमारा इस तरह का रहेगा, ऐसा हम 2 पीस करेंगे, 2 पीस, ठीक है। तो हमारा जो 9.5 वाला हिस्सा है हम उधर ही इलास्टिक लगाएंगे, इलास्टिक, ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके। हल्का सा खींच कर रखेंगे इलास्टिक को, हल्का सा, ये हमारा इलास्टिक लग चुका। दूसरा वाला में भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो पार्ट 2 में बस इतना ही, पार्ट 3 में हम इसका सामने का डिज़ाइन बनाकर देखेंगे। और बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।